बस शंकर जी, जो मेरी आखिरी विनती है इस हफ्ते की, बस उसे पास कर दियो। पास? पास तो एक भी ना होता, बेकार में ही शंकर जी को परेशान कर दी तू। 4 साल हो लिए ग्यारहवीं फेल होते होते, अब की बार 5वां साल हो जाएगा, पास ही नहीं होता। देख लिए, इनका फेरा होंगे 0/0। देखो जी, सारी बात ठीक है, पर अपने देवर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने की, मुझे चाहे कुछ भी कह लियो। क्यों? क्यों ना कहूँ? क्यों के जी, कोई कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 साल में आवेगा। इस साल ना सही तो अगले साल सही। धन्य हो पिताजी, कितने सुविचार है तेरे, जीते जाना आरती को। इसमें आरती वाली कौन सी बात है, मैंने कुछ गलत थोड़ी कह दिया। तेरे सुवचनों की वजह से कल्याण हो रहा है उसका, सवेरे 2 लगाए उसके तो ठीक हो जाएगा। पढ़ता लिखा तो है ना वो, और देख लिए एक दिन खाई लगेगा पक्का। हाँ जी, तुम कौन से पढ़ लिख के पटवारी बन गए? गिलास पानी कराते क्यों बहस कर दी सुबह सुबह? तड़के धूल या दम्बा ठाक रखे है। हे भगवान, मनोज भी सदबुद्धि दे ना दे, पर इसे हल्ले मुझे जरूर सदबुद्धि दे दिए। क्यों जी, सचमुच पास नहीं हो सकता हमारा मनोज? मैं नूना कह रहा कि जन्म में पास नहीं होने का वो, और उसके लक्षण दिख रहे तुझे, अगली जन्म में पास हो जाएगा। क्यों जी, कौन सा लक्षण खराब है उसके? उसके एक भी लक्षण सही ना है, सवेरे लिख जा बैट बल्ला लेकर, वो थपका देगा उसे रोटी। क्यों जी, वो ही खेलना, सारे गाँव के बालक ना खेलते, पूरा गाँव कुएं में गिरने लगे, वो भी गिर जाएगा उनके साथ। गया जा, चल भाई तेरे लोग, यह सामाजिक विज्ञान की कॉपी प्रश्न पत्र के सिवाय इसमें कुछ नहीं लिखा गया। ये रही गणित की कॉपी, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। अरे यो रही हिंदी की, इसका भी यही हाल है। अरे ये रही अंग्रेजी की कॉपी, इसमें नाम और रोल नंबर के सिवा कुछ नहीं लिखा। बस करो मास्टर जी, के देखो इन कॉपियों को, हमारे तो घर में बहुत ही नालायक लड़का पैदा हो गया, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। 15 बात पेड़ पे चढ़ गया, उसका अनुवाद तो देखो के लिखा उसने, द मंकी मार दड़ंगी चढ़ गया ऑन द ट्री। या अंग्रेजी है या हिंदी, इसे के समझे? मास्टर जी आप ही बताओ, हम क्या करें, भाई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई त्रिलोक, अब तू ही बता क्या करना, जो हमारे लायक होगा वही हम करेंगे। हाँ मास्टर जी, अब का और चढ़ा लो इसका नाम। मास्टर जी, अब तम उसे बिल्कुल ठीक कर दो, तम उसे मारो पिटो कुछ भी करो, हम तो हड्डी चाह उसकी, खाल तो कोई मतलब नहीं हमारा। भाई त्रिलोक, चलो इनको तो मैं उसका नाम चढ़ा लूंगा, इसके बाद फिर कोई सिफारिश नहीं चलने की। हाँ जी हाँ, ठीक है। ये लो त्रिलोक, मनोज का रिजल्ट। के पकड़ो मास्टर जी रिजल्ट, रख लो इसे भी यही, क्या फायदा इसके ले जाकर? नहीं नहीं, उसे दिखाओगे तभी तो कल आओगी। जो उसे कुछ शर्म होती तो 11वीं में 5 बार फेल न होता वो। मास्टर जी, उसके कारण तो सारे गांव वाले परेशान हैं। दादाजी, क्या बात, दर्जी ने लोई ऑर्डर रखी? ना भाई ना, नमूनिया हो रहा मुझे तो, बहुत बुरा हाल है मेरा तो। दादाजी, अपने गांव में डॉक्टर तो हैं, दवाई ले लेते। अरे भाई, डॉक्टर दुकान पे मिले जभी तो, दो बन जा लिया दुकान पे और मिले ही ना। लगे लाला जी डॉक्टर की आपसे बैर है। अम्मा बैर की बात ना करे भाई, इस गांव में तो पता नहीं किस किस को मारे तो बैर है। थोड़ी सी रह रही, हम भी चले जाएंगे, जहाँ रश्मि की फूफी चली गई, समझेगा कि नहीं समझा? लाला जी ये हो तो भाई, ठीक है सुगीर भाई। लाला जी राम राम। अरे राम राम भाई, राम राम।
बुखार कैसा है लाला जी? अरे बुखार का है भाई, तो नमोनिया हो गया, समझ गया कि नहीं समझा? दिखे बुखार में नहा लिया लाला जी? नहा लिया? अरे बुखार की वजह से 15 दिन हो गए, मैं तो मुंह भी ना धोया। फिर कैसे हो गया नमोनिया लाला जी? अरे वो है ना मनोज, अरे बाबू ने मारी तैसी तैसी कर रखी। फिर थारी ऐसी तैसी मनोज ने कैसे कर दी लाला जी? कल आया था, एक बाल्टी से पानी की भर के मेरे ऊपर गिर गया और बस हो गया नमोनिया। अनु के मैं यू काम छोड़ू, मैं भी इनकी छत्ती पे और यही मूंग दलूंगा। लाला जी थारा और मनोज का क्या बैर है आपस में? बैर? अरे बैर तो बहुत तगड़ा है मेरा रुस्ता, उसने उधार ले रखा, यो बैर है, समझ गया पक नहीं समझा? लाला जी 10-20 रुपए का क्या उधार है? 10-20? 100-200 होते जिन भी कुछ बात थी, 1200 है 1200, पूरे 1200। और इतनी मोटी रकम के नो छोटी जा, नो गेरा मेरे ऊपर पड़ी, सोचा लगा बीमार पड़ जाएगा और मर जाएगा। बनू के मैं काम छोटू, अब तू ही बता, नो देख क्या क्योंकि अपना नाश करा जा, समझ क्या कि नहीं समझा? हे भगवान, मारा मनोज पास हो जाए क्या? अमित, ओ अमित, मैं मनोज। अरे कहाँ जाते रे सारे के सारे, कहाँ जा लिए? क्या बात होगी? अरे यो देख अपने भाई का रिजल्ट, सारा जीरो जीरो, सारी काबिया कोरी धरी स्कूल में, नालायक कतई, जो पढ़ेगा। ले, नहीं होगा तेरे मनोज का बहनावा। हाँ। कहाँ है हो मनोज का बच्चा? हाँ भाई कपिल देव, अरे यहाँ कुछ सुन। ओए मनोज। चाचा मुझे कह रहे? बेटी चोद तुझे थोड़ा ही कह रहा है, तेरी मरी माँ को कह रहा। हम पूछ रहे तुझे काफिया में कुछ लिखा हुआ या नहीं? हाँ हाँ लिख के तो मैं आऊँ। हमें बता कितना लिखा हुआ तू? सारे काफिया कोरी धरी धरी, आधी उम्र का तो हो लिया, शर्म लिया ही नहीं बिल्कुल भी। इसके तो दो ही काम है, टीवी देखना या बैट बल्ला खेलना। देख हरिचंद के बारहवीं में फर्स्ट आया। चाचा पैसे दे के पास हो जाओगे वो, उस पर आवे कुछ। सब तेरे के ढाल हैं, सारे विषयों में जीरा बटा जीरो। जब साढ़ा पर्चों में लिखा ही कुछ नहीं तो नंबर कहाँ था आगे? चाचा कोई फायदा नहीं सर पढ़ा कर, 5-7 बहन से लेकर दो चुका कर लाग रहा। अरे इसके कब्जे का वो भी काम नहीं है, अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा, दबा हो जा मेरे सामने से। पता नहीं चाचा इसका आगे क्या होगा, कैसा खुंटा गाड़ के रहेगा। अरे इस सूसरे ने तो नाक में दम कर दिया, एक तो यो और 3 इसके महान दोस्त। आज मैं सारा ही सामान चेंज कर दूंगा, लुंगाड़े कल तो ठा के ले गए थे चुंबक, आज मैं दूसरी चुंबक लगा दूंगा, उन्हें क्या पता अब मैंने चुंबक लगा दी। लगे लाला आज फेर लिया चुंबक। अरे ओ बावड़ी पूछ, मुंह से मार के बात करियो, अरे गात में लट पाड़ दूंगा। अरे चले जाओ, तुम तो वैसे भी उठ पटांग गाओ। अरे लाला जी तो ना ना करते ही रहेंगे। खा लिया दिमाग, मैं मेरे ससुरो मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम बाहर निकले ना, जो कंटे में चुंबक लगा रखी, बताऊं सबको? यू बन रहा CID का भूपा, ऐसे पता कैसे चला? लाला जी हमें तो ये भी पता, तुमने सवेरे ही चावलों की बोरी में कंकड़ मिलाए। हाँ लाला जी। अरे भाई चुप रहियो, आप किसी को ना बताइयो और नहीं तो बदनाम हो जाऊंगा मैं, और समझ गया कि नहीं समझे? लाला जी सारी जान जब बच सका, जब तुम हमारे बारे में कुछ सोचोगे। वो जो तुम्हें चाहिए अब मगर ले लो, मैं क्या मना करूं, समझ गया कि नहीं समझ गए? जब तुम ज्यादा ही सिर हो रहे, एक पेट्ठे का डब्बा ले जा रहे। और कुछ भी ले जाओ भाई। लगा के मेरे ससुरे लुंगड़े चाड़ मा का चुन्ना। इसका क्या होगा, क्यों उदास बैठा? चल इसे तो पूछेंगे। ये बात भाई चुपचाप क्यों बैठा? मनोज बुखार चढ़ रहा के कहा? निखार चढ़ रहा?
अबे यार निखार कहाँ था रहा, मुंह तो इसका लटका पड़ा। चुप हो जा डायरे भट्ट। बस के हुआ के बात भाई, आज लड़का आगा किसी से? लड़का कहाँ आया यार, घर वालों ने दिमाग खराब कर रखा। क्यों सके क्या दिया घर वालों ने? यार चाचा ने दिमाग खराब कर रखा, चाचा का वो हिसाब है भैंस ब्याह है किसी की और कटड़ा कुएं 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 करे। भाई मारी समझ में आ रहे हैं तेरे भैंस कटड़े। यार गोपाल मास्टर ने जब मुझे पास नहीं करा इसमें मेरी क्या गलती? यार तो ये हिंदुओं के बुड्ढे है ना, ये साले बुढ़ापे में सट आ जा, इनकी तो इसका अंत सुने और इसका अंत काट दे, दिमाग में ना रखा घंटा भी। यार जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाचा को पता नहीं क्या हो रहा। यार गलती तो सारी मास्टर होगी जिन्होंने मैं पास ही ना करा। तुम भी फेल हो गए के? और के, जब काफिया कोरी छोड़ गए तो पास खात हो जाते। अरे मैं तो खाम का डर रहा था, मुझे क्या पता मारी सारी की सारी कंपनी एक स्टेशन पे पड़ी। यार मुझे तो बेकार की टेंशन हो रही थी, मन्ने रोटियां भी नहीं खाई। रोटी की क्या जरूरत है जब तक हम आए? और के थारे चक्कर में आके भुक्का मरू मैं? काम रेंट देंगे मेरे यार जब तक लाला जिंदा है। अच्छा जी, तो लगे लाला को लगा दिया चुन्ना। हाँ यार हमने सोचा थोड़ा सा मनोरंजन ही हो जाएगा। मनोरंजन तो कल को स्कूल में करेंगे, पहले पेट पूजा कर ले। मनोज हाँ ले खा ले। आंख में क्या हो रहा? भाभी दर्द हो रहा, कोई दवा है आंख में गिरने की? ना दवा तो ना है, पर तेरे भाई ने मुझे सुरमा ला के दे रखा, वो लगा ले, दर्द भी सही हो जाएगा और आंखें भी सुंदर हो जाएगी। अपने सुरमे को तू ही लगा ले, तू ही बना ले अपनी आंखें सुंदर, तू मेरी और हंसी उड़वाओगी। लगा के तो देख, तेरे भाई भी लगावे, देख उनकी आंख। हाँ जबी तो मुझे शक हो। शक? कैसा शक? जबी तो उसकी आंख मोटी मोटी झोटे की ढाल है। अब की बार अगर हम पास हो गए ना तो यहाँ नहीं पढ़ना। और कहाँ पढ़ेंगे भाई? भाई छुटमलपुर पढ़ेंगे, वहाँ बहुत बढ़िया स्कूल है, वहीं आवे मजा। ठीक कह रहा भाई तू, मतलब पास साल हो गए दिमाग में भूल भरा पड़ा, लगता तो मास्टर को वैसे ही पास कर देना चाहिए था। ये काम घास लाना चाहिए था। अरे घास लाना था स्कूल क्यों जा रहे? चलो फिर वापस। ओए उल्लू की नस्ल दिखाई नहीं दे रहा, टक्कर मार दी तने इसके, साले बहुत बोल रहे। ठीक करना पड़ेगा दिख है। आई बता किसे कह रहा उल्लू? तुझे कह रहा, बता क्या करेगा तू? साले चले जा यहाँ से, ये काम तेरा नहीं मारा है मारा। साले ये काम तेरे बाप का। साले बाप तक पहुंच गया। साले तेरी इतनी हिम्मत, तने मनोज को धक्का दिया? तुझे साले आज पहाड़ का फेंक दूँ। गुरुजी हम तो स्कूल जा रहे थे, उसने साइकिल से टक्कर मारी और हम कह रहे थे लड़ रहा। चुप, चलो स्कूल चलो। सिट डाउन। हाँ भाई रसूलपुर में जिन बच्चों ने कल झगड़ा किया था वो खड़े हो जाओ। तुम लोग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आते हो या झगड़ा करने के लिए आते हो? मनोज तुम बताओ लड़ाई क्यों की तुमने? अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। गुरुजी गलती मारी नहीं थी, गलती उसकी थी। तुम्हारी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं, हमेशा दूसरों की गलती होती है। स्कूल में आते हो तो सही ढंग से आया करो। तो सही ढंग से आ रहे थे, उसने ही करी पहले हाथ तपाई। तुझे झूठ बोलते हुए शर्म तो नहीं आ रही? मैं सही कह रहा हूँ, क्या इससे पूछ लो। चुप रह तू। गोपाल तू बता क्या हुआ था? हम तो बात करते हुए आ रहे थे, उसने लड़ाई की। जी
थ्योरी सच है। आज के बाद तुम लोगों की कोई शिकायत ना सुन लू। बैठो सभी बच्चे, ध्यान से सुनिए। कल सभी बच्चों को स्कूल में आना है। कोई भी बच्चा घर पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कल 15 अगस्त है। कार्यक्रम के अंत में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कक्षा 11 के छात्र मनोज कुमार मंच पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। आज फंस गया बेटे मनोज तू। आदरणीय सभापति महोदय, गुरुजनों व मेरे सभी सहपाठियों, आज मैं आप सभी के सामने 15 अगस्त के बारे में अपने कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। मेरी गलतियों पर ध्यान न देकर मेरा उत्साहवर्धन करें। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, ये तो हम सभी जानते हैं। परंतु आज देखने को मिलता है, आज का युवा इंसान नशीले पदार्थों ने जकड़ कर रख दिया है। वह अपनी मान सम्मान मर्यादाओं का तिरस्कार कर बैठा है। वह इस आजादी की कीमत को पहचान नहीं रहा है। दोस्तों, हम ऐसे वीरों की बदौलत हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी और रात दिन एक करके एक ऐसा पेड़ वृक्षी बीज बोया है जिसे हम आज आजादी के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हर्त नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। गोरों की थी नीति निराली, हमें लड़ाकर राज किया, जाते जाते फुट बीच में भारत को बंटवा दिया। जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी तब उसकी माँ ने कहा था, क्या हुआ रे मर जाएगा अहला वतन के वास्ते, क्या हुआ रे मर जाएगा अहला वतन के वास्ते, बुलबुलें भी मरती हैं अपने चमन के वास्ते। आजादी के परवाने आजादी दिलाएंगे, घर घर में शिक्षा का दीप जलाएंगे। पूरा होगा सपना जब राष्ट्र होगा अपना और बुलंदियां भी स्वतंत्र कहलाएंगी। ब्रिटिश कंपनी को भगाकर अपनी भूमि पर अपना स्वराज चलाएंगे। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो रात दिन एक ही सपना देखते थे, कब हम स्वतंत्र होंगे और कब हम आजादी पाएंगे। उन्होंने परतंत्र होते हुए भी अपना जीवन स्वतंत्र बिताया। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उन्होंने ये सपना भी साकार किया। किश्तियाँ बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, मगर वो इंसान चले जाते हैं। जो अपने वतन पर मरने का जज्बा रखते हैं वो महान कहलाते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब यही बनेंगे भगत सिंह, ये बनेंगे सुखदेव, ये बनेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और यही बनेंगी झांसी की रानी, और कहीं से नहीं आएंगी। जय हिंद, जय भारत। राम राम, आज कैसा आना होगा? ओ मगर राम राम को छोड़ भाई, तेरे छोटे भाई ने माई नाक में दम कर रखा। ओ मनु जाम गाम छोड़ के चले जा, अनु के हम जा। ओ समझ गया कि नहीं समझ गया? किसी दिन कुछ कह दिया मनोज ने? किसी दिन की बात ना भाई, वो तो रोज मारी शशि मारे। आज मैं तुझे बात बताने आया, आज तो दिखाना आया। चल मेरी दुकान पे आ, दिखाऊं। ओए तू यहां बैठ जा, आता ही होगा चोर का चोर उनका। अरे लाला कहाँ गया? अरे देखना रहा मर गया के? अरे कहीं ना, बता यही हूँ, इभी थोड़ा ही मरूं। तो फिर बता दे कद मरेगा, इतने हम तेरी लकड़ियों का इंतजाम कर लेंगे। अरे भी तो मैं थरे बालकों का मुंह देख के मरूंगा, यूं ही मरूं मैं। के कहा? बालकों के साथ खेल लूंगा। अरे लाला कम से कम रापे की शर्म तो कर ले। ओ बावड़ी पूछ, बुड्ढा होगा तेरा बाप, मैं तो अभी जवान हूँ, समझ गया कि नहीं समझा? ओए लाला बात तक ना पहुंचे, ना तो मगर ना तो क्या कर लेगा तू? थरा मुंह तो निकल जाएगा पेंट में और थरी बन जाएगी रेल। समझ
ओए लाला, एक घंटे तक घेंट पाड़ रहा, टांग तोड़ दूंगा तेरी। ओए मनोज, कदम फंस जा, निकल ले। हट साले, जब भी बोले उल्टा ही बोले, सकल ढंग की ना, बात तो ढंग की कर लिया कर। हम भाग गए हम। तेरी तबीयत तो ठीक है लाला, जा दवाई ले ले डॉक्टर जयचंद से जाके। लाला, अब का कौन सी तन्ने तोप छुपा रखी, हम भी तो देखे जरा। अरे ऐसी की तैसी, मैं बनाऊंगा थारी सकल ढंग की। अम्मा का देखिया, मैं तो रोज बताऊंगा तेरे भाई के बारे में, आज अपनी आंखों से देख लिया। लाला जी, उसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा। ना भाई ना, वो तो फेर करेगा और मैं तो रिपोर्ट करूंगा उसकी, समझ गया कि नहीं समझ गया? लाला जी, विश्वास करो, आज के बाद इसकी कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। अब की बार छोड़ दो, अगर दोबारा ऐसी गलती करी तो रिपोर्ट कर दियो। अम्मा देख भाई अमित, जब तू कह रहा तो ठीक कह रहा, पर मेरा दिल का भाई नहीं देखता, पर वो तो फेर करेगा। भाई यो नहीं कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ रहेगा। क्या हुआ मनोज, तू क्यों भाग रहा? बस भाभी, आज बचा ले भाई से। भाभी, हम लाला जी के साथ मजाक कर रहे थे, भाई ने देख लिया। जब लाला जी को तंग करेगा फिर तो तेरा भाई पिटेंगे ही तुझे। वो कह रहे थे कि तूने लाला जी के ऊपर पानी के इतने बुखार में उन्हें निमोनिया होगा। भाभी, आज बचा ले भाई से, आज के बाद उन्हें तंग नहीं करने का। देख लिए, कभी फिर कह रहे। ये पकड़ 500 रुपए और यूरिया ले आइए और सीधा खेत में जाइए, ठीक है? किंगे को कहाँ जा रहा? अरे सामने तो अगर भाई आ गया, मैं पीछे छत पर चढ़कर कूद जाऊं। तेरे घर का नाश करके छोड़ गए हो, जो किसी दिन पक्का टकाए तो बनेगा। पता नहीं कोई ऐसा है भी जिसे सुधार सके। सड़क खोपड़ी खराब कर दी, कहीं बैठने लायक नहीं छोड़ता है। अरे देखिए किसका फोन बज रहा। हेलो, कौन? अच्छा ठीक है, तू अभी रुक, मैं एक मिनट देख रही। किसका फोन है? कालो को है जी। अच्छा, मास्टर जी की लोंडिया जी। ला फोन इधर दे। हेलो, राम राम, कैसी है तू? बस कटरी मारी भी क्या मास्टर जी को बुलाला? आओ जी मास्टर जी, आ जाओ। आए जी, और ठीक ठाक हो? दे बात कर। पिताजी राम राम। राम राम बेटी, राम राम, कैसी है तू? हाँ पिताजी, मैं मस्ती में हूँ। वो तो कल आने वाली थी, देर क्यों नहीं आई? वो बुआ जी कहने लगी कि कल चली जाइयो, पर फूफा को छुट्टी ना मिली, वो आए ना। तो तू के लिए आ जाती, कोई डर थोड़ा ही पड़ रहा। मैं बिहारी घर से गाँव वाली बस में बैठने वाली हूँ, सोचा की आपको फोन कर लूँ। ठीक करा बेटी। अच्छा पिताजी, मैं रख रही हूँ। चल ठीक है। अमित, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी काड़ो आज इस गांव में पहली बार आ रही। मास्टर जी, खुश तो हम भी हैं आज। बुकाला बंदा जोड़, बुकाला बंदा जोड़, बंदर जोड़ बुकाला। ओए मनोज, ओ हेलो, पता ना कौन से लोग में सो रहा हो। जब यो सो रहा तो क्यों उठा रही थे? चुप बैठा रहे, तेरे से सलाह ना मांगी। ओ मिस्टर, तू उठ रहा या मैं तुझे उठाऊं? ए, अगर ये उठ गया ना तो तेरी बत्ती सी काट देगा यो। चुप बैठ जा नासपीटे, ना तो चप्पल बजा दूंगी। चल खड़ी हो यहाँ ते, तेरी सीट है यो। क्यों, तेरी सीट है? हाँ मेरी सीट है, चल खड़ी हो यहाँ ते। चुप धरा रहे, कदी ज्यादा हंगा दिखा रहा हूँ। ना बैठता, चुप, बता क्या करेगी तू? एक चोट में ना तेरा थोपड़ा बदल दूंगी। इस हाथ को संभाल कर रख, ना तो सुबह को धोने लायक भी नहीं छोड़ने का इसे। अरे तो छोड़ परे, काहे से बहस कर रहा? ले बब्बू मेरी सीट पर आके बैठ जा, उससे ना दिमाग खराब कर। बदतमीज, तेरे से तो अच्छा वो भाई है। अरे इस भुंडी सी शक्ल को लेकर तू परे हो जा यहाँ से।
तेरी शक्ल तो बहुत उत्तर कुमार जैसी है। अरे मैं उत्तर कुमार हूँ या अजय कुमार हूँ, तू धार ले क्या? तू खड़ी हो यहाँ ते। मर जाना कहीं का, मैं तो कहूँ भगवान करे तेरी एक टांग टूट जा। अरे परे चली जा यहाँ ते। अरे ओ भाई इसे चुप कर ले, मैं ऐसी औरतों के मुँह नहीं लगता। हाँ तो क्या मैं तेरे जैसे बंदर के मुँह लगूँ? अरे मैं लगता भी नहीं तेरे जैसी के मुँह ऐसी। ना तू श्रीदेवी भगवान ते ना दुआ मना कि तेरी और मेरी मुलाकात दोबारा ना हो, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद करेगा। चुप धरी रो, हम डरते ना किसी ते, तेरे तो जो उखड़ता हो खाड़ लिए। लाला जी एक टेलीफोन का बंडल दे दियो। 10 रुपए खुले ले रहा हमारा भाई, यो बंडल किसके लिए ले जा रहा? जी वो तो मैं अपने बाप के लिए लेके जा रहा। अरे तेरा बापू राम गोपाल मर गया था, फिर तू किसके लिए ले जा रहा? अयो तो मैं अपने ताऊ के लिए लेके जा रहा। हम अगर तेरा ताऊ जगदीश तो आंख बनवान हरिद्वार जा रहा, फिर किसके लिए ले जा रहा बता तो सही, समझ गया कि नहीं समझ गया? लाला जी तुम्हारा मतलब क्या? मैं किसी के लिए ले जाऊँ ऐसे दिमाग चाट लिया। हम अगर एक और ले जाते मेरी तरह, मुझे क्या? ओ मैडम तेरे से जो उखड़ता हो उखाड़ लिए, डरते नाम किसी तरह सलब। भाई इस गट्टी तो सड़कता यहाँ तक हमारी जान काट ली गई भाई। मैं के जोर पड़ गया आग आग तो बहुत देर फुला रखी, अरे सिर पर धरा जाता तो कुछ बात भी होती, तो हम वैसे ही कमजोर है यार। अरे ये तो वैसे ही भैंसा होया फिर रहा। कपड़े भाभी ने दिए पहन के मन लुभा दिया, मैं चला जाइए। चल ठीक है। तुम तो यहीं बैठो, मैं जरा इन्हें बदल का हूं। भाई कहाँ केला केला जा रहा दाव तुम्हें? मैं तो कोई खबर है नहीं, केला ही दाव तो खाता फिर रहे हो। हाँ मोटे तो दावत के चक्कर में रह रहे टेम, मुझे तो ऐसा लग रहा है गांव में भी कुछ गड़बड़ कर रहा। कैसा लग रहा हूँ? अरे चकाचक लग रहा करते ही। तो भाई मानू बात ब्याह में कौन सा चलेगा मेरे साथ? भाई चिट्ठी आई तेरे यहाँ, तू जा हमारे आती तो हम जाते। चलो यार कोई सा तो चलो यार, बिना बुलाए तो भगवान के बिना जाना चाहिए, या तो फिर भी ब्याह की बात है। चलो भाई ठीक है ना जाओ, भाई हम चलते हैं और क्या। अरे भाई साहब पैसे वैसे कौन लिख रहा है? अच्छा वो जो सामने बैठे, चलो ठीक है भाई। काड़ो ए काड़ो। हाँ पिताजी। मेरा चश्मा कहाँ गया? यहीं धरा, अभी देरी। पिताजी योरा चश्मा। आलो बेटी उरा। जी पिताजी। अजो तेरा जीना लगा, सामना अमित की बहू है उसके दौरे चले जाइए। जी तो लगाना ही पड़ेगा, चलो चलती हूँ। भाभी राम राम। राम राम बब्बो। तू तो कल आ रही थी पर दिखाई आज देरी। अरे भाभी वो पिताजी का रजिस्टर पूरा करा, अब वो गए तो मैं यहाँ आ गई। चलो मास्टर जी को कुछ तो फायदा होगा तेरे आने का। अच्छा चल तू बैठ, मैं संभर के आ रही अभी। ठीक है।
ए कालो, तू रहन दे, मैं अपना आप चुग लूंगी। ना भाभी ना, मैं ही चुगूंगी। भाभी मैं ही चुगूंगी बस। अच्छा एक बार बता कालो, तू कल आई थी, तेरे चेहरे पे गुस्सा था बहुत। मास्टर जी कह रहे थे क्यों? हाँ भाभी, बस मैं ना एक लड़के से लड़ाई होगी थी मेरी। हाँ हाँ, इस उम्र में तो जरूर हो है लड़कों से लड़ाई। क्या भाभी, तुम भी। अच्छा बता तो, क्या बात होगी थी? बस कुछ ना, सीट के ऊपर होगी थी। अच्छा, सीट के ऊपर हुई थी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अरे भाभी, मुँह जोरी तक करने लगा मेरे साथ, फिर मैं भी कहाँ डरने वाली थी। अच्छा, मैंने तो कह दिया उससे कि जो दोबारा मेरे सामने आया ना, तो उसका वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद करेगा, सोचेगा। चल छोड़, छोटी मोटी बात तो होती रहे, दिल पे नहीं लिया करते ऐसी बातों को। अच्छा भाभी, मैं तो चलूं, मुझे तो कपड़े धोने हैं। पांच किलो धनिया, 50 किलो चीनी, 2 किलो जीरा, 2 किलो मिर्च। मनोज चल, लाला जी से माफी मांग ले उस दिन की गलती की। 5 किलो छुआरे, 5 किलो बादाम, 10 पैकेट लगे। लाला जी सामान लेन बिहारीगढ़ जा रहे। यार रश्मि में पता नहीं कहाँ चली जाता की तरफ, अपना सामान लिखवा देती, वो भी मैं ले आता, मुझे तो वैसे ही पीठ में देने को देर हो रही, पता नहीं कहाँ चली जा या छोरी। लाला जी राम राम। आ गया तड़की तड़क रावण, इसकी राम राम तो तनुई चौका, आज इसने तो कुछ गड़बड़ कर दी, रपट कर दूंगा इसकी। लाला जी कहां सोच में पड़ गए? तेरा ही जुगाड़ सोच रहा। अभी तो लाला सही था, कहीं कोमा में तो नहीं चला गया? हाँ, बता क्या क्या है तू? मैं तो यूं कह रहा था, दुकान पे नहीं गए आज, घर में ही पड़े। मारा घर और मारी दुकान, हम कहीं भी रहे, समझ गया कि नहीं समझा? लाला जी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, और तुम तो खामा खा गुस्सा हो रहे। और क्या मतलब है तेरा कहने का? लालाओं का काम तो दुकान पे हो, घर में तो लुगाई रहे लुगाई। हमें क्या किया करा? लुगाई है हम लुगाई, आज तक तो वैसे ही परेशान कर रहा था, और ये लुगाई भी बताने लग रहा, तेरे नाम की पंचायत करूंगा, समझ गया कि नहीं समझा? लाला जी मैं तो माफी मांगने आया था, और तब मेरे यूं ही पीछे पड़ रहे। अरे मैंने चिट्ठी के क्या बुलाया था तू? यहाँ भी आ गया, ना दुकान पे जीत देता और ना घर में जीत देता। लाला जी थर तब बात करना तो अपना नाश करना। नाश अनाश तो तेरा जीव होगा, जो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। ए, तू कहता फिरेगा और लाला जी ने रिपोर्ट कर दी, अब अगर चला जा, जो काम का मामला है उन्हें तो रिपोर्ट कर दूंगा। भाभी थपका कहाँ था रा? दियो जरा। देख ले, रखा होगा कहीं सामने। एकालो। हाँ भाभी। एक काम करियो, मैं जा रही घेर में दूध काटने, मारे घर का ध्यान रखियो। भाभी दिन में कोई के चुरावेगा? तुझे नहीं पता बब्बो, 2 दिन पहले की बात है, मारी ना बाल्टी ठाली एक पित्तल की। क्या कह रही भाभी, यहाँ चोर भी आवे? हाँ जी भी तो कह रही। हाँ भाभी तू जा, मैं भी तो देखूं कालो के होते हुए कोई के ले जावेगा। अच्छा ठीक है, हमारे घर का ध्यान रखियो। आज कोई मेरा बेटा फंस गया ना तो गात तोड़ना ही तोड़ना है साले का। ये भी कोई बात हुई, बाल्टी ले गया पित्तल की। हाँ चलो देखूं कोई है तो नहीं, देख तो लूं, क्या पता कोई हो ही। भाभी सही कह रही थी, पक्का यो ही ले गया होगा बाल्टी ठाके, तो मेरा शक बिल्कुल सही है, पक्का यो ही चोर है। यार मनोज घर में तो दिखे पिताजी है नहीं, और बस अब तो तू ही राजा है घर का।
अरे घर वाले घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। ओ बेटो के आज तो मजा आ गया, पैसे मिल गए। अब कौन है बैंड? तू तो मुझे सकल सही चोर लागे था, तभी तो कहूं इतनी मुंह जोरी क्यों कर रही हो। बच्चू तेरे मुंह में तो अभी कपड़ा भी दूंगी। तू खोल मुझे, कौन है तू? इतना पागल मान रहा मन्ने? अभी तो तेरे सारे नखरे ढीले करने हैं। अरे तू खोल। चूतिया मान रहा दिखे मुझे? तू खोल ली या नहीं खोल ली? बच्चू कहा ना था तुझसे कि जब तू कभी दोबारा मिलेगा तो तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद करेगा। क्या हुआ, क्यों हाँफ रही तू? आज तो थारा घर लूट गया होता जो मैं ना देखती। क्यों, क्या हुआ? भाभी वो ही चोर है जो मुझे कल बस में मिला था। और देखने में कैसा है वो? मुझे तो सकल से ही चोर नजर आवे वो। मुझे तो लगे है इसने मनोज को ही चोर समझ लिया। चल देखे तो कौन है वो। भाभी यो बड़ा चोर, यो ले भाभी थपका, तोड़ दे इसका गात। देखती रहोगी या मारोगी भी? हाँ ए कालो, यो तेने क्या कर दिया? यो तुम्हारा मनोज है। अब क्यों होगा भाभी? पहले से खुलवा, फिर देखेंगे क्या होगा। तू एक काम कर, तू घर जा, मैं देख लूंगी। ओ मनोज। आज तो लाला जी को दाने दिखाने ही हैं, खाने पड़ेंगे। वो देख लाला आ रहा, चल शुरू हो जा। आए मर गया, आए मर गया। ओ जोर जोर से लाला आ रहा, लाला आए मर गया, आए मर गया, आए मर गया, आए मर गया, आए मर गया। अरे मगा क्या हो गया इसके? लाला जी कुछ ना बता रहा, रो ही रो रहा। अरे भाई क्या हो गया तुझे? हम मगा से डॉक्टर के लेकर चलो, डॉक्टर के। अरे डॉक्टर इसके एक सुई लगाऊंगा और ये ठीक हो जाएगा, समझ गया कि नहीं समझे? लाला जी से कुछ ना हो रहा, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ना भाई ना, अगर ये मर गया तो। अबे काम हो जाएगा, नहीं चिंता ना करे। हो गया काम, मुझे घर लेकर चल। हाँ भाई, और ठीक हो गया तो घर जा। ए, समझ गया कि नहीं समझ गया? लगे स्कूल जा रहा ही हो। इससे कल की बात के लिए ना माफी मांगती हूँ। ए माफ कर दे। चल हट, चली जा मेरी आंखों के आगे। कहते हैं देखिए इस मनुष्य की शकल, पता ना क्या समझे अपने आप को, क्यों पक्का आज किसी से भिड़ेगा। ए भाई थोड़ा आराम ही कर लूं। आज कहाँ जाऊँ, गनट जाऊँ या बुग्गा वाला जाऊँ? ओ मनोज, मनोज। हाँ ये बात है, कुछ काम था? मनोज तेरा चाचा घर है का? क्यों? कुछ काम था मुझे उनसे।
ए, माफ कर देना। जा चुप निकट जा यहाँ से। जब तक तू मन ने माफ ना करेगा मैं नहीं जाने की। दिक्कत थप्पड़ चावे तुझे। यहाँ तो कोई भी ना, यो किस तो बात करे जा रहा। हाथ जोड़ू, अब तो माफ कर दे। जब मर जा यहाँ से, ना तो धड़े मार के सिर फोड़ दूंगा तेरा। मार के तो दिखा, मैं भी तो देखू तेरे में कितनी ताकत है। तेरी एस्तेसी। जा चली जा साली मेरी आंखों का। पर क्या कर दिया तूने, तो मेरा नुकसान कर दिया सर। तेरा बाप देगा तू देगा। साले अगर घर चला गया ना तेरे प्राण काट दूंगा, समझा। ओ भाई छोड़ दो, ओ भाई छोड़ दो, इसे तो बचा दूं मैं। ओ भाई छोड़ दो। भाई वो क्या कर दिया, मेरा मेरा सारा नुकसान कर दिया, मेरी किस्मत आया है। देखे फोन भीतर किसका बज रहा, फोन ला उठा कर। लो। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी मास्टर जी। ठीक है जी, ठीक है सर, दो मिनट होल्ड रखियो, मैं मास्टर जी को अभी बुलवा रहा। मनोज। हाँ जी। मास्टर जी को बुला के ला। अरे मुझे ये पेपर जमा करने थे, ये करिया हूँ। हाँ अरे पेपर फिर जमा हो जाएंगे, जल्दी बुला के ला मास्टर जी को। ठीक है जी। काड़ो बेटा जल्दी तैयार हो जा। जी आ गई। साला हो नहीं हुए, तंग हमें होना पड़े। घर में बेटी धोवे, स्कूल में बाप धोवे। अच्छा बेटे हो गए तैयार। हाँ बेटा मनोज। गुरुजी थारा फोन आ रहा मेरे से। एब किसका फोन आ गया। चल बेटा मनोज। आओ जी मास्टर जी। आगे जी आगे। हेलो। हाँ जी लो मास्टर जी आगे बात करो। हेलो नमस्कार सर, और कैसे हैं आप। अच्छा जी शिक्षा अधिकारी आ रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा मैं अभी पहुंचता हूं। अच्छा जी ओके सर ओके। मास्टर जी कालो को लेकर कहां जा रहे थे। बस इन तो कहीं भी ना जा रहे, ये तो प्रोग्राम ही फेल हो गया। क्यों के बात होगी। मजार पर जा रहे थे, अब तो अगले हफ्ते जाना पड़ेगा। बस अब तो बेटी मजार पर अगले हफ्ते जाना पड़ेगा। अगले हफ्ते क्यों मास्टर जी, आप निश्चित हो गए स्कूल जाओ, अपना काम करो। कालों को मजार पर मैं भिजवा दूंगा। अच्छा जी ठीक है जी, मैं स्कूल जाता हूँ। हाँ आप निश्चित हो गए स्कूल। अच्छा जाओ जी। मनोज। ओ मनोज। हाँ चाचा। ऐसा कर इसे छोरी को लेकर मजार पर जा। चाचा ये कागज भी तो बैंक में जमा करने। अरे ये कागज छोड़, ये कागज मुझे दे। इसे छोरी को मजार पर लेकर जा, ध्यान रखिए। चाचा दो पैर दे रखे भगवान ने, अपना आप चली जाएगी। हमने कौन सी इनकी ठेकेदारी ले रखी। अरे तो मुझे क्यों पाड़े पड़ा रहा। इसे मोटरसाइकिल को निकाल और मजार पर ले जा ले से छोरी को। तेल भी ना उसमें। तेल डलवा लिए, ले पैसे ले जा, ले जा जल्दी लेकर। चल ध्यान रखिए, आराम से जाइए। बैठ बैठ। तो रही तुझे तो बहुत दिक्कत हो रही। तेरी आंखिया में मैं बस गया, वो छोरी मेरी आंखिया।
क्या मैं तू बस गई। नीचे उतर ले, कहाँ गहरी नींद में सोरी। ए भगवान, क्या हो गया इसमें? ओए मनोज, मिस्त्री में देखो, जब ही तो पता चलेगा क्या हो रहा क्या नहीं। मुझे तो लगे दोपहर यही कटेगी। आप तो बैठ के महारानी छाम है। कुछ पता चला के खराबी होगी इसमें? मैकेनिक में जो एकदम पता चल जाएगा। चुप धरी रहे। सुपने में तो बहुत बढ़िया गाना गा रहा था। ओ महारानी चल। कहाँ बैठ रही इस पे? इसका तेल खत्म हो गया, धक्का लगा। धक्का? मैं लगाऊं? मेरे बस की ना है। धक्के का नाम सुनकर तो तेरे फिल्टर चौक हो गए। जुबान तो कितनी भी करवा लो तेरे ते। चप्पल काट और धक्का लगा इसमें, आज पता लगेगा। धक्का किक कर मारा जाओ। तेरे प्यार के लिए धक्का क्या, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ले पकड़। के पता सपने वाली बात इस बहाने से सच हो जा। कहाँ सोच में पड़ गई, चल धक्का मार, जोर जोर मार, कई पैरों में मेहंदी लग रही तेरे।
इसकी नए धक्का लगाना। निकल गई कांच। पेट्रोल पंप तक चलें, चल पैदल चल ले फिर। और तेरे लिए रथ लाऊं? ला सके तो दो घुट पानी ला दे। यो मुसीबत भी साली मेरी किस्मत में थी। चल यार मनोज, पिला दे इसे पानी। कदी यो मर जा, इसका कलंक भी मेरे लग जा। चल एक काम कर, तू वहां पेड़ के नीचे बैठ और मैं पानी का इंतजाम करूं। ठीक है। अरे वो रानाल, पहले बेटे मनोज अपना आप पी ले, बाद में दिए साली को। ओ महारानी, ले पी पानी। अब ठीक है तू? ओढ़ लाऊं? चला आ, चल। एक काम कर, तू बैठ और मैं धक्का लगाऊं। मैंने ना कभी मोटरसाइकिल चलाई, मैं तो साइकिल जानू। अरे बावली, साइकिल की ढाली चले, इंगे उंगे से हैंडल पकड़ ले और बैठ इस पे। तू बैठ और मैं धक्का लगाऊं। अच्छा, हमें तो कहे सबक सिखाने को, अरे इसे घुमाता फिरा। तुझे नहीं जाना, तू करिया दर्शन और जल्दी आइए, मैं यहीं बैठा। हे पीर बाबा, कुछ ऐसा करो जो ये मनोज ना मेरे से गुस्सा ना होवे। अच्छा पीर बाबा, आपसे एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगे कि मुझे ना मनोज से कुछ हो गया है। हे पीर बाबा, मेरी मनोज से दोस्ती करा दो ना, जो तन्ने मेरा ये काम कर दिया ना, तो मैं तुम्हारी मजार पे ना फूल चढ़ाने आऊंगी। अच्छा बाबा, अब मैं चलूं। चले? एक घंटा लगा दिया, और कुछ मांगना हो वो भी मांग ले जाके। चल बैठ। इस साली सीढ़ी में क्या पड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यो पड़ा इसका टूटा हुआ पीस। रोटी दिया खेत में। चल ठीक है।
ओ मनोज। हाँ भाभी। इसे बाद में ठीक कर लिए। कुछ काम है? ऐसा कर, खेत में रोटियां दिया, पहले ही बहुत वार होगी। इसे ठीक करके अभी जा रहा। पहले रोटी दिया, बाद में कर लियो बाकी काम। एरी दियाती फिल्म आई है नालायक राजू, पहले उसे देखनी उसके बाद जाना। और जब तक ये सीढ़ी ठीक नहीं होने की, बताओ कैसे देखी जाएगी। लारी ला चल ठीक है। अरे एक काम करिए, वो गोपाल आओगा उससे मेरी है ना स्कूल की ड्रेस की पैंट ले लियो। ठीक है? ठीक है ले लूंगी। पता नहीं क्या क्या डंगा रखे है, दादा आदम के जमाने का सीडी प्लेयर था रखा, ये कौन सा ठीक हो है। भाई एक बतिया आना तब लगा लेता हूँ। तुझे जाना है ना, तू चला जा, मैं तो सही साफ पूरा करके ही आऊंगा। उस दिन की आग भी दिल में लग रही। चल फिर समय देखेंगे रास्ते में। चल हाँ ये है ना मनोज जो आ रहा। यही है मनोज। चल पप्पू चुप जा। चल आ जा बेटे, आज तो तेरा इंतजार कर रहा मैं। तू अपने आप को हिंदी फिल्मों का जी देवगन समझ रहा है? अरे मैं हिंदी फिल्मों का जी देवगन ना हुआ तो हरियाणवी पिक्चरों का अजय कुमार तो जरूर हूँ। अच्छा बनाऊ तुझे हीरो? साले बहुत ठंडा था तू। अब पता चला तुझे मनोज के साथ भेजने का क्या नतीजा हो। भाई मनोज तू भूल गया उस दिन को जिस दिन काड़ा ने हमारी बेइज्जती करी थी, भरी बस में ना कटवा दी थी हमारी। तू सही कह रहा गोपाल, मुझे तो उस दिन तो अंकों में खटक रही वो, जिस दिन मेरा बस चल गया ना साली की मुस्ती से मरोड़ दूंगा। सोच तो मैं भी हुई रहा कद मौका मिले और कद उससे बदला लूं। क्यों भाई मनोज तुझे भी धोया गया उसने। अगर मन ने इन्हें बता दिया कि उनने मुझे चोर समझ कर धोया तो मेरी इज्जत पर बट्टा नहीं लग जाएगा। भाई के बात, उसका नाम सुनकर तेरे तोते से उड़ गए। साले जब भी बोल रहा ओली सोली बोल रहा कर, मैं तो सोच रहा थारी पिटाई का बदला लूं। के कहा तबला लेना है? क्यों भाई किसी को परेशान करने का रहता है क्या? बैरे बट कभी तो चुप बैठ जाकर, जब देखो बीच में टांग अड़ा हो जा। हाँ आज करी बैरे भट्टने अच्छी बात। भाई ऐसा इस बहरे बादल ने क्या कह दिया? इसने कहा किसी को परेशान करने की, मतलब काड़ों को परेशान करना। भाई वो कैसे? इब वो रोज परेशान होगी, अब तब मेरे पे छोड़ दो यो बात। तू ना परेशान करो उसे भाई, तू तो बदल गया भाई, मारे आगे कुछ और पीछे कुछ। परसों उसे मोटरसाइकिल पर ना घुमा रहा था। दत तेरी की सक्की भी कोई दवा नहीं होती। हाँ भाई सही कह रहा हूँ। सही के खाक कह रहा, चाचा ने भेजा था इसलिए लेके जा रहा था मैं उसे। अच्छा चिपक का नट्टी तेरे था वो, हमें गोली दे रहा बालक मानना। ऐसा कुछ ना जैसा तुम समझ रहे, अगर चाचा ना कहता तो मैं जा रहा था कहीं उसे लेके। हाँ यार ये बात तो है, अगर मन ने उसे परेशान करके उसकी बुआ का ना भिजवा दी ना तो मेरा नाम मनोज नहीं। तो भाई अब क्या करना उसका, कुछ तो बता। काड़ो तेरी जिंदगी में मनोज ऐसा आ गया जैसे जवानी में बुढ़ापा, एक बार आ गया बस आता ही जा। ओए वो देखो नलका कौन यार, यो तो वही हिटलंडी। अरे हिटलंडी कुछ और नु बताओ, बहरा बादल कहाँ? वो आ गया तो बहरा बादल। गोपाल तू एक काम कर, इससे पूछ यो बाल्टी दे देगी क्या,
झोटे को पानी पिलाना। अरे मुझे पिटवा दे तू, अपने आप जाकर पूछ, मेरी खाल में भरवा दे घूस। ओए चल पूछ का, कहीं नहीं भूस बनने की वो। ना भाई मेरा दिल गवाह ना दे रहा, इसे भेज मेरे पास दड़कू। ओए इसे भेज दूं, यो बहरे पास दड़कू, इसे तीन लोग का सुनाई दे। इसे कहेगी बर्तन साफ करने को, यो कहेगा दांत साफ करने को। हैं इतना भी ठप ना, मां बता किसके कान साफ करने। देखा था ना तुझे, अरे इसे तो तीन लोग का सुनाई दे साले को। कहा था बर्तन साफ करने को, अरे यो कह रहा कान साफ करने को। अबे करतार जा तू जा। ओ करतार, ओए रुक, तू एक काम करिए, अगर वो पानी भर रही होगी नहाने के लिए तो तू सिर खुजाइए। या तेरी बाल्टी मिल जाएगी। क्यों के करे बाल्टी का, झोटे को पानी पिलाना। पागल हो रहा, मैं नहाने के लिए पानी भर रही और तू झोटे को पानी पिलावेगा, इससे भूल गया उस दिन का थप्पड़ दिखे। गोपाल देख वो नहाने के लिए पानी भर रही है, अब देखो तब मेरा कमाल। यो लग गया गारा, वो भी इसके कपड़ों पे, अब आओगा मजा। चलो छत से सूट तो लाऊं। बाल्टी और कपड़े तो दिए सान, अब होगी रोज परेशान। हाँ पता ना किस पागल ने लगाया इस पे गारा, कर दिए सारे कपड़े खराब। हाय राम। मगा ए भगवान, अब तो इन लुंगाड़े से पंडा छुटवा दे, जिब्बिया में नुकसान करके जा इनकी माँ की। ओए लाला इन भगवान की क्यों ऐसे सीख रखी तने, इन्हें कभी सो भी जान देकर। हम अगर तेरा के पीड़ हो रही, हम अगर तेरा के दर्द हो रहा, समझ गया कि नहीं समझिया। इस समझ समझाने को तो छोड़ दे, किसी दिन तेरे भीतर तार दूंगा। और के तार देगा तू? 6 इंच का चक्कू। ओए मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, समझ गया कि नहीं समझा। समझने को छोड़ लाला, खा खा कर चर्बी चढ़ गई दिखे, झील नहीं रही तुझे। ओए बाबड़ी पूछ, तेरे बाप का खरा मैं, अपना करियार अपना खरा, समझ गया कि नहीं समझा। लाला पैपे तो मचावना, ना तो अभी ठोक दूंगा तुझे। सोन भी नहीं देता, सुपरे में भी वही मनोज, ये सारे मनोज ये एक से ही हो, ना वो पीछे देता और ना यो पीछे देता, मार लिया इस मनोज ने भी मैं तो। ओए मनोज। ओए रुको 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 रुको, मैं अभी आया। अरे भाई कहाँ जा रहे हो ये तो बता दे। दूध पियोगे? हैं भाई दूध पियोगे? ऐसा करियो मास्टर दिख जा या मास्टर की छोरी दिख जा, अगर दोनों में से कोई दिख गया ना एक भी तो भाई गाना गान लगी है। ठीक है भाई। अरे लगा इस डब्बे में तो कुछ है भाई। ओए लो मौज लो। अरे मैं पीने में अरे भाई अब इसका क्या करें? अरे करना के इसे वहां रखो जहां तवा पर। ठीक है चलो चलो। लगे डब्बा और दूध दोनों ही कोई साफ कर गया, अभी देखती हूँ। ओए नीचे करो इसे। नू बताओ उसके घर का सामान कहाँ, वो जो चुराया मैंने। मेरा क्या करते मैं ना उठाएगा? हाँ लेकर आ जा। वो इतना सामान चुरा लिया उसका मैंने। हाँ भाई
अरे भाई यो रहा सिस्सा, अरे यो रहे उसके सूट, यो रही थाली, अरे यो रहा चिमटा, अरे यो रहा उसका तवा, अरे यो रही उसकी परात। बस 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 रहने दे, बस रहने दे, रहने दे, रहने दे। यो रही दो जोड़ी चप्पल। अरे यार बस कर यार, 15 दिन से परेशान कर रहे हैं मुझे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ यार, ये भी वो बता, इस सामान का क्या करना, लोहे वाले को तुलवा दे। ना ना अभी रुको यार। मनोज एक बात बता, मत दोपहर में दिखती नहीं, कहाँ जावा? दिखेगी कहाँ, वो तो मेम साहब दोपहर में सोए। मनोज क्यों नाम उसके सोने का फायदा उठा ले, के का हावड़ा उठा ले। अबे यार क्या करेंगे इतने फाड़ों का। भाई देखो हर चीज का अंत हो, भाई मेरा जी गवाही नहीं दे रहा, भाई मैं नहीं करने का आज के बाद यो काम। अबे कहां सोच में पड़ गए यार। मनोज हम यूं सोच रहे, तू आज एक बार और कर ले चोरी। ना भाई ना, मेरा जी गवाही नहीं दे रहा, अगर मैं पकड़ा गया तो। वो तो वैसे ही घोड़े बेच के सोवे। चला भी जा यार मनोज। चलो ठीक है, पढ़ लाना के भाई, जो उस हिटलरनी के पास अच्छा सामान हो ना वो ठा ले आइए। भाई एक शर्त होगी, जो सामान मैं लाऊंगा ना उस सामान को रखूंगा मैं ही। भाई पक्का काड़ो, अब देख अब मैं आ रहा हूँ तेरी जिंदगी में। ओए मनोज सो तो ऐसे रही, खनाटे मार मार कर जैसे कुंभकर्ण के खानदान से हो। यार चलती उठाऊ सामान, कदियो जाग ना जा। इन खटमलों ने भी परेशान कर रखा है, सोने भी नहीं देते चैन से। लगे यो तो जागी बेटे छू। ये किवाड़ किन्ने खोले? मैंने तो बंद करे थे, अब किवाड़ पे ताला लगा के सोती हूँ। इबी से चाबी को कहाँ पे रखूं? अरे इस चाबी को मुझे दे दे, कम से कम निकट तो जाऊंगा। इसे तो मैं अपने पटियाला बैंक में रखती हूँ। बेटे मनोज आज तो फंस गया तू। बेटे मनोज लगाइयो सोगी, तू बाहर निकलने की सोच। ओहो तो यो है इसका पटियाला बैंक। इस बहनचोद को भी अभी पलटी मारनी थी। इब के करूं, अगर बेटे मनोज फंस गया ना आज तो लट टूटते ही टूटते तेरे पे। अच्छा तो यो ही है वो चोर, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, अब देखती हूँ ये क्या करता है। अरे भगवान कहाँ तो यो आफत गले पड़गी। मनोज मुझे छोड़ के मत ना जाइए। बेटे मनोज चलने में ही फायदा, एक बार कह दे कि मैं तुझे चाहूँ। तुझे लगे तेरा सपना आ रहा। जब तक तू मुझे ना कहेगा ना मैं तुझे ना छोड़ूंगी। कहाँ चला मनोज, मेरी बातों का जवाब दे। तो तू जाग रही? ना मैं तो सो रही। जल्दी काट चाबी, मुझे जाना कोई देख लेगा। जा चला जा, चाबी नहीं है मेरे पास। क्यों? जब तक जवाब ना देगा चाबी ना मिलेगी। कैसा जवाब? कि तुम उससे प्यार करे।
ऐसा कुछ ना जैसा तू सोच रही। चल कैसा है फिर तू ही बता दे। मुझे ना पता, मुझे दे जल्दी चाबी। जब तुझे पता ना तो आंख बंद कर, मैं देती हूँ चाबी काट के। देखो यारो उस रब ने के चीज कसूती बनाई, देखो यारो उस रब ने के चीज कसूती बनाई। मैं जिस तैपिड़ बैठा बस मैं वो मेरे दिल में समाई, उस ते प्यारी होया मन ने जब मारे बगड़ में आई। अरे उस ते प्यारी होया मन ने वो मारे बगड़ में आई। देखो सखियों उस छोरे ने मेरा चैन चुराया, देखो सखियों उस छोरे ने मेरा चैन चुराया। जो बांध कर पिट्या चुन्नी ते वो मेरे दिल में समाया, जब मारे बगड़ में आया। उससे प्यार होया मन ने जब मारे बगड़ में कर लिया, दिखाई नहीं दे रही, अब कहां गई वो? मेरा सूरज तो इब निकला। यार यो देख क्यों नहीं रही? आधी रात तक मैं छत पर खड़ा,
लगा कुछ करना पड़ेगा। मुझे अभी मिलना तेरे ते अभी। मैं अभी नहीं आ सकती। क्यों? बाबूजी सो रहे हैं घर में। तू आ रही तो ठीक है, ना तो मैं आ रहा हूँ ही। मनोज, एक घंटे बाद मिलूंगी। मेरे बस की नहीं है घंटा इंतजार करना, मैं खुद आ रहा। पिताजी हैं घर पे। पूरी रात हो गए, एक मिनट भी नहीं सोया। और तू? मेरा भी तो यही हाल है, मैं कौन सा रात भर सोई। मेरा जी नहीं लगता तेरे बिना, तू चल मेरे साथ यार। ऐसा कर, एक घंटे बाद ना मुझे खेत पे मिलियो। यार तू एक घंटे की बात कर रही और मेरे पे एक मिनट भी नहीं रुका जा रहा, तू चल यार मेरे साथ जल्दी। ठीक है ठीक है, पिताजी शाम तक के लिए कहीं बाहर जा रहे, मैं तुझे खेत में ही मिलूंगी। और तू ना मिली वहाँ फिर? तू जा, मैं तुझे खेत पर ही मिलूंगी। देख लिया अगर ना मिली टांग तोड़ूंगा तेरी। हाँ हाँ। मनोज मेरी बात सुन तो। ये सुनो, वो आज मुझे जी भर कर देख लिया। अरे कुछ तो बात कर, तू तो चुप बैठ गया। बालो, जब तक प्यार नहीं हुआ था तेरे से, तो दिल करा था तेरा सिर फोड़ दे, और अब जब हो गया तो दिल करे बस तुझे देखता ही रहा। इसे ही तो प्यार कह रहे हैं मनोज। मैं तो तुझे उसी दिन से अपना मान बैठी थी जिस दिन तूने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया था। अच्छा सुन, आज तो इतवार है, फिर तू कौन से स्कूल में जा रहा था? मैं तो बस तेरे स्कूल में जा रहा था। वो कैसे? स्कूल में तो मास्टर जी पढ़ाया करेंगे और घर में तू? हट पागल, तू भी। चलो एक बात कहूँ। हाँ। तू कालस का टिक्का लगाया कर। क्यों? कहीं मेरी नजर तुझे न लग जा। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? भगवान कसम आज तो तू बहुत सोनी लग रही है, अगर तू यूं ही देखती रही ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। चल पागल, झूठी तारीफ ना किया कर, ऐसा कुछ भी ना है। सच कह रहा हूँ भगवान कसम। अच्छा बता, कहाँ से लग रही सोनी मैं? जी तो चाह रहा तेरी इन झिलसी आंखों में ना डुबकी लगा लूं। संभल के लगाइयो डुबकी, इनमें सुरमा है, कहीं काला ना हो जा। ए, सुरमा मुझे तो दिखाई दे रहा। ये सुरमे का ही तो कमाल है पागल, जो तुझे मेरी आंखें झील जैसी लग रही। पर तेरे भाई ने मुझे सुरमा ला के दे रखा, वो लगा ले, दर्द भी सही हो जाएगा और आंखें भी सुंदर हो जाएगी। ये बात कहाँ खो गया? मैं सोच रहा वाकई सुरमा लगाने से झील जैसी आंखें हो जाऊं। रखूंगा लुका के तने दिल के मकान में, रखूंगा छुपा के तने दिल के मकान में, दिल के मकान में। काड़ो मनोज सा प्यार न होगा सारे जहान में, काड़ो मनोज सा प्यार न होगा सारे जहान में। दूंगी तने प्यार में ज्यादा अपनी जान ते, दूंगी तने प्यार में ज्यादा अपनी जान ते, अपनी जान ते। काड़ो मनोज सा प्यार न होगा सारे जहान में, काड़ो मनोज सा प्यार न होगा सारे जहान में।
तेरी ज्यादा तरते प्यार करया दिल मन अपना यू तेरे नाम करया जानते भी ज्यादा तरते प्यार करया दिल मन अपना यू तेरे नाम करया आजा मेरी बाहों में तू बात मेरी मान ले कालो मनोज सा प्यार न होगा सारे जहान में कालो मनोज सा प्यार न होगा सारे जहान में और मैं किरण हूँ तेरे नाम की प्यार जानते ज्यादा दूंगी कसम राम की तू सूरज और मैं किरण हूँ तेरे नाम की प्यार जानते ज्यादा दूंगी कसम राम की देना तन्ने साथ मेरा मन में युए ठान ले मनोज सा प्यार न होगा सारे जहान में काल मनोज सा प्यार न होगा सारे जहान में जीना साथ में मरना वादा कर लिया एक दूजे के नाम यू हमने जीवन कर दिया साथ में जीना साथ में मरना वादा कर लिया एक दूजे के नाम यू हमने जीवन कर दिया छोड़ना ना साथ हमने दुनिया ये भी जान ले प्यार न होगा सारे जहान में कालो मनोज सा प्यार न होगा सारे जहान में कालो मनोज सा प्यार न होगा सारे जहान में You are watching Sonodev Video.